मैं ये आंसर देने वाला हूं कि अगर हमारे पास दो किस्म की फ्रिक्शंस हैं, स्टैटिक और एक काइनेटिक, तो किसी ने ये पूछा, सर ये तो आप अपने मन से वैल्यू लिख रहे हो, आपने कहा बॉडी को हिलाने के लिए 10 न्यूटन की फोर्स चाहिए, मैंने कहा ठीक, आपने कहा आपने फोर्स अप्लाइड की इतनी, देखो ये आपकी मर्जी है, मेरी मर्जी में जितनी मर्जी फोर्स अप्लाइड करो, ये बताओ कि 10 आपने निकाला कैसे, कैसे डिसाइड करते हैं देख के बॉडी को कि वो कितने न्यूटन फोर्स से चलेगी, पहला आंसर। दूसरा, कैसे पता करते हैं कि अगर वो चल पड़ी तो काइनेटिक फ्रिक्शन इससे कम होती है, इसकी वैल्यू इवेल्युएट कैसे करते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन है। तो इसके लिए ये सिखाया जाता है जो कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, जो रफनेस बताता है, वो दो किस्म के होते हैं, एक होता है कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस, और एक होता है कोफिशियंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के। और आप सोचते हो कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, ग्राउंड तो वही है, म्यू तो एक ही होगा, रफनेस तो वही है, इंटरलॉकिंग तो उतनी है, किसी में ज्यादा किसी में कम, ज्यादा तो म्यू ज्यादा, कम तो म्यू कम, तो फिर म्यू में फर्क कैसे आ गया। देखो अगर मैं ये बोलूं बॉडी खड़ी हुई है तो इंटरलॉकिंग ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, बॉडी धस जाएगी नीचे, तो देखो म्यू रफनेस इसको ज्यादा मिलेगी, इसका फील ऑफ रफनेस ज्यादा है, और बॉडी चल रही है तो इंटरलॉकिंग प्रॉपर हो नहीं पाएगी, तो रफनेस में कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा। तो इसलिए म्यू दो किस्म का बनाया, चल रही है तो अलग म्यू, इंटरलॉकिंग नॉट प्रॉपर, और अगर पूरी तरह रुकी हुई है तो म्यू प्रॉपर होगा और फ्रिक्शन ज्यादा आएगी। तो म्यू दो किस्म से बनाया, अब यूज कैसे करना है मैं आपको इसका एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं, ठीक है, न्यूमेरिकल देखना क्या होने वाला है। सपोज करो आपके पास एक ब्लॉक है, ये आपके पास एक ब्लॉक है, और ये ब्लॉक 15 kg का ब्लॉक है, इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाई कितनी, सपोज 1 न्यूटन फोर्स लगाई बस। मेरा पहला क्वेश्चन, फ्रिक्शन नहीं है क्या ये बॉडी चलेगी, हाँ या ना, फ्रिक्शन नहीं है चलेगी, चलेगी। हमने पिछला चैप्टर फोर्स का किया, हमने कभी आपने कभी मुझसे पूछा कि चलेगी नहीं चलेगी, मैं तो 15 क्या 100 किलो के ऑब्जेक्ट लेके बैठ गया था, तो मैंने क्या कहा, ये देखो जी ए एक्सेलेरेशन है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन, तो इतनी एक्सेलेरेशन से बॉडी चलेगी, हमने कभी डिस्कशन की नहीं बॉडी चले, हम तो हमेशा बॉडी चलेगी चलेगी क्योंकि हमने कभी फ्रिक्शन ली नहीं। पर अब क्वेश्चन चेंज हो गया, क्या क्वेश्चन है कि सपोज करो आपने इसके ऊपर फोर्स क्या लगाई, 1 न्यूटन फोर्स लगा दी, अब फ्रिक्शन यहां पर प्रेजेंट थी, फ्रिक्शन प्रेजेंट थी, और फ्रिक्शन के दोनों कोफिशिएंट गिवन थे म्यू एस एंड म्यू के। मान लो म्यू एस की वैल्यू गिवन है 0.5 और म्यू के गिवन है 0.4, ये गिवन होता है पेपर में, और म्यू एस स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू हमेशा बड़ा होता है और काइनेटिक का हमेशा कम होता है, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती क्या है, म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन, बॉडी का हर वक्त यहां पर नॉर्मल रिएक्शन तो कांस्टेंट है ना, कितना 15 g, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी है 15 g, ये लो तो नॉर्मल रिएक्शन 15 g है, वो तो चेंज नहीं होगी, लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन स्टैटिक और काइनेटिक डिफरेंट होती है, तो किसको चेंज होना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में दो ही तो चीजें होती हैं म्यू और एन, ये तो चेंज नहीं होगा, तो क्या चेंज करनी पड़ेगी, म्यू इंटरलॉकिंग म्यू, ठीक है यहां तक, तो म्यू ज्यादा म्यू कम। अब मेरा एक क्वेश्चन है इसमें, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते कैसे हैं, पहली चीज माइंड में ये आती है कि बताओ ये बॉडी चलेगी या नहीं चलेगी, अब फ्रिक्शन है तो इसके लिए आप इसको शक्ल देखते हुए बता नहीं सकते बॉडी चलेगी कि नहीं चलेगी, राइट। हाँ अगर फ्रिक्शन नहीं फिर तो बिना देखे बता सकते बॉडी चलेगी, पर अगर फ्रिक्शन है तो आपको वो मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि कितनी फोर्स चाहिए कि बॉडी चल पड़े, जैसे मैंने अपने एग्जांपल में 10 न्यूटन लिया था, अब मैं निकालने वाला हूं कि इसको चलाने के लिए फोर्स कितनी चाहिए कि ये चल पड़े। तो इसके लिए रूल नंबर 1, आप हमेशा क्या कैलकुलेट करेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू, फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, म्यू एस इनटू नॉर्मल रिएक्शन, एफ इज इक्वल टू म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन, पर हम क्या स्टडी कर रहे हैं, स्टैटिक। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, म्यू एस कितना गिवन है 0.5 और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी है 15 g, जी का मतलब यहां पर 10 है, तो 0.5 इंटू 15 इंटू 10,
क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? कितना आ गया? ठीक है, तो ये पता है क्या आया? ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं आई, ये आई मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। जब आप ये फॉर्मूला यूज करते हो ना, याद रखना, जब भी आप ये फॉर्मूला यूज करते हो, ये स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं होती कभी भी, ये क्या होती है? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, या दूसरा नाम क्या है इसका? लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो क्वेश्चन है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन 75 न्यूटन है, इसका मतलब इस बॉडी को हिलाने के लिए कितनी फोर्स चाहिए? 75। समझ में आया कैसे कैलकुलेशन होगी? तो मैंने पहला आंसर दे दिया कि मेरे एग्जांपल में वो आंसर 10 न्यूटन क्यों था, कि मैं कहता था बॉडी को हिलाने के लिए 10 न्यूटन फोर्स चाहिए, अगर इससे ज्यादा होगी तो काइनेटिक होगी, तो काइनेटिक नहीं हो सकती। ठीक, तो इसको चलाने के लिए कितनी फोर्स चाहिए अगर काइनेटिक मोशन लेके आना है? 75 न्यूटन। ये वही क्वेश्चन है, ये मैथ के पेपर में 33 नंबर निकाले। तो मैंने पूछा कि इस मैथ के पेपर को क्लियर करने के लिए कितने नंबर चाहिए? आपने कहा 33, फॉर्मूला लगाया 33, तो तेरे कितने हैं? वो कहता अभी देख के बताता हूँ, पेपर तो दूं। उसी तरीके से ये मत बोलना कि मेरी फ्रिक्शन का वैल्यू आ गई, वो ये ना कहे मैं पूछूंगा इसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी है, वो कहेगा तो गया 75। ना जी ना, ये तो क्राइटेरिया आया है, ये क्राइटेरिया आया है कि इतनी फोर्स रिक्वायर्ड है बॉडी को हिलाने के लिए, पर आपने कितनी लगाई? एक। बॉडी चलेगी कि नहीं चलेगी? नहीं चलेगी। रिक्वायर्ड कितनी है चलाने के लिए? 75। आपने कितनी लगाई? एक। बॉडी नहीं चलेगी, राइट, क्लियर है? और अगर नहीं चलेगी तो कौन सी फ्रिक्शन रोल प्ले करेगी? काइनेटिक की स्टैटिक? स्टैटिक। और मैंने क्या रूल बताया था? बॉडी को चलाने के लिए 75 न्यूटन चाहिए, पर आपने कितनी लगाई? एक न्यूटन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी मार्क करोगे? एक न्यूटन। ये ऑब्जेक्टिव आएगा, एक न्यूटन करना। इस साइकोलॉजिकल प्रेशर में मत आना कि मेरा आंसर 75 आया था, ये सिर्फ चेकिंग का तरीका है। ठीक है यहां तक? तो इस बॉडी को हमने क्योंकि फोर्स 75 से काफी कम लगाई, ये नहीं चलेगी, नहीं चलेगी तो स्टैटिक फ्रिक्शन आंसर होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन हो ही नहीं सकता। तो इस क्वेश्चन में म्यू के का कोई रोल है ही नहीं, क्योंकि चलेगी नहीं। और क्वेश्चन आएगा फाइंड फ्रिक्शन, तो आंसर क्या होगा? 1 न्यूटन। पर अगर मेरे क्वेश्चन में फोर्स यहां पर मान लो 111 न्यूटन होती, तो बॉडी चलेगी कि नहीं चलेगी? चलेगी। चलाने के लिए कितनी फोर्स चाहिए कम से कम? 75। आपने कितनी लगाई? 111। चलेगी, और अगर चलेगी तो कौन सी फ्रिक्शन आंसर होगी? स्टैटिक की काइनेटिक? काइनेटिक होगी। तो आपका आंसर अब 1 न्यूटन नहीं होगा, आपका आंसर होगा एफ ऑफ के इज म्यू ऑफ के इंटू नॉर्मल रिएक्शन की जगह 15g, यानी कि 0.4 इंटू 15 इंटू 10, इतना आंसर होगा। अब ये मार्क करके आएंगे फ्रिक्शन। तो अगर स्टैटिक अगर नहीं चली तो 1 न्यूटन आंसर है, और अगर चली तो स्टैटिक का कोई रोल नहीं है, ना 75 का। ये तो 75 तो चेक करते हैं चलेगी कि नहीं चलेगी, ये फ्रिक्शन नहीं होती, ये आंसर नहीं होता। तो इसमें आंसर क्या लिखेंगे? काइनेटिक से कैलकुलेट करके आंसर आएगा।